अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको टॉप 10 इफेक्टिव वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। ना मैं यहाँ पर फाइबर की बात करूंगा, ना मैं यहाँ पर अपवर्क की बात करूंगा, ना फ्रीलांसर की बात करूंगा, ना ही मैं गुरु जो एक वेबसाइट है उसकी बात करूंगा। यहाँ पर मैं सारी नई वेबसाइट्स की बात करूंगा जो बिल्कुल फाइबर की तरह काम करती हैं। यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज की प्रोफाइल बनाओगे और आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। और ये सारी नई वेबसाइट्स हैं। एक बार यहाँ पर रैंक कर जाओ आप, एक बार रैंक कर गए उसके बाद मजे हैं आपके। सारा टाइम आप इन सर्विसेज के ऊपर दो, इन वेबसाइट्स के ऊपर दो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि डेली आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली। अगर आप गिव अप कर जाते हो तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आप अपने आप को ब्लेम ही करोगे कि हाँ भाई, ये इस तरह से करता तो मैं ऐसे हो जाता, इस तरह करता तो ऐसे हो जाता। टाइम इज मनी। अच्छा, मैंने ये वीडियो बनाने आई थी काफी सारे दोस्तों की डिमांड के ऊपर। उसामा भाई, क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, सर्विसेज कैसे देनी है, कोई मजे की एक वीडियो बना दो। तो मैंने कहा कि भाई, एक मजे की वीडियो होनी चाहिए जिसमें आपको पता लग सके कि हाँ भाई, हमें काम कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक वेबसाइट जो कि बिल्कुल फाइवर की तरह काम करती है, नंबर 1 पे, जिसको मैं सबसे ज्यादा लाइक कर रहा हूँ। और आजकल ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस वेबसाइट के ऊपर आओ, अपनी सर्विसेज जिस फील्ड में आपको काम आता है, यहाँ पर आके अपनी गिग बना लो। उसको रैंक करने के लिए 100, 200, 300 डॉलर, अगर ये बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, अगर लग भी रहे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा दो। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो अभी इतना वो, यानी कि रश नहीं है लोगों का, इतना कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर आके अपनी सर्विसेज दे सकते हो, हर तरह की सर्विस आप दे सकते हो। नंबर 1 पे इसको मैंने इसलिए रखा है, इसका नाम देख लो आप, LEGII, ठीक है, लेजिट नाम है इसका, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर आप आकर अपनी प्रोफाइल बना लो, जल्दी से जल्दी रैंक कर जाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पैसे कमाने शुरू कर दो। दूसरी वेबसाइट है कॉन्ट्रा.com। कॉन्ट्रा, इसके बारे में भी आपने नहीं सुना होगा, जितने मर्जी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो, उन्होंने आपको नहीं बताया होगा इसके बारे में। जब ये रैंक कर जाएंगी ChatGPT की तरह, तो इसमें भी, और तब वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई, इसके ऊपर आप काम करो। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप हर तरह की सर्विसेज दे सकते हो, क्या कुछ आता है आपको, क्या नहीं आता, यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तीसरी वेबसाइट है वेटेड, VETTED, वेटेड। यहाँ पर आप, ये खास तौर पे जो SEO करते हैं, किसी भी वेबसाइट की, किसी भी पेज की, किसी भी तरह की आपको चाहिए, आप अगर आप में स्किल्स हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे ने आपको इन 3 वेबसाइट्स के बारे में बताया होगा। ये सारे गोरे, काले, सफेद, जितने भी बंदे नजर आएंगे, ये आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर नजर आएंगे। फाइवर के ऊपर आप चले जाओ, गंद मचा हुआ है। अपवर्क के ऊपर आप चले जाओ, वही पुराने लोग जो पहले एक बार उन्होंने क्या नाम रैंक किए हुए हैं, वही वही पैसे कमा रहे हैं। अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको रैंक करते करते सदियां लग जाती हैं, बेचारे गिव अप करके साइड पे हो जाते हैं। इसलिए जो है ना, पहले वाले लोगों ने गंद मचाया हुआ है वहां पर। अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर 4 पे आती है सिंपली हायर्ड वेबसाइट। यहाँ पर भी आकर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, सारी आपको देखना पड़ेगा कैसे यही वेबसाइट का एल्गोरिदम काम करता है। नंबर 5 पे आता है Behance.com, Behance.net या .com, जो मर्जी आप कह लो। यहाँ पर आकर आप फाइंड कर सकते हो अपनी सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे आता है Double9Design, Double9Design.com। यहाँ पर आप जो बंदे जिनको प्रीमियम प्रो अच्छा चलाना आता है, लोगो शोगो बना लेते हैं अच्छे, और अपनी वो क्या कहते हैं, फोटोशॉप वगैरह, हर तरह का बैनर्स वगैरह, आप यहाँ पर आके अपनी सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊँ, एक मेरे जैसा जो ई कॉमर्स का बंदा है, वो कौन सी वेबसाइट पे काम करेगा, लेजिट वाली पे काम करेगा या Kontra.com पे काम करेगा, या उसके बाद अगर ज्यादा ही उसमें मादा पाया जाता है तो वो फ्रीलांसर या गुरु वेबसाइट पे जाएगा। अपवर्क पे अगर उससे ज्यादा स्टैमिना रखता है तो अपवर्क पे जाएगा। मतलब कि सबर, पेशेंस, जितना आप सबर करोगे उतना आपको मिलेगा। लेकिन ये जो अपवर्क है या फाइबर है, इन वेबसाइट्स के ऊपर आप सबर करते 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 सो जाते हो, थक जाते हो, फिर उसी रूटीन पे आ जाते हो आप पुरानी। खैर, आपको कुछ मिलता नहीं है वहां से, आप कुछ भी कर रहे हो। अभी 2 दिन पहले इतने अकाउंट्स उड़ाए हैं ना फाइबर ने, विदाउट, यानी कि क्या कहते हैं, वॉयलेशन, उसने ऐसे अकाउंट उड़ा दिए लोगों के। खैर, आप यहाँ पर आ जाओ, Double9Design.com के ऊपर आप लोगों की कोई भी सर्विसेज आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप आ सकते हो, ये डिजाइनर्स के लिए एक और वेबसाइट है Dribbble.com, ठीक है।
इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को आइडिया होगा। डबल लाइन का तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कम आइडिया होगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो हर तरह का 2D 3D डिजाइन जो है हर बंदा बना लेता है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद पीपल पर आवर, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये भी बिल्कुल फाइबर की तरह काम करती है ये वेबसाइट, लेकिन यहाँ पर आपको जो पैसे हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही कमाल है। अब एक बंदे ने काम करना है तो जगह जगह अपनी ब्रांच बनाएगा, तो आप भी जगह जगह अपनी, ये सर्विस केप के नाम से एक वेबसाइट है, आप भी जगह जगह जितना आप रिसर्च करोगे उतना आप आगे जाओगे। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, क्लाइंट जब आए, मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट टपका है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, वो मुझे कहता है सामा मेरे अकाउंट के ऊपर अकाउंट हेल्थ मेरी खराब है, मुझे इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन लग चुकी है, या मुझे IP वायलेशन लगी है, तो बताओ क्या आप इसे रिमूव कर लोगे? मैं कहूंगा सबसे पहले अपना अकाउंट मुझे दिखाओ, अकाउंट हेल्थ में जाओ, वहां पर जाकर स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करो यहाँ की, मुझे स्क्रीनशॉट दो, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाओ, नोटिफिकेशन क्या है उसकी पिक्चर भेजो मुझे, मैं देखूंगा मेरा माइंड के हिसाब से, मैं रीड करूंगा फिर मैं उसको जवाब दूंगा कि सर बिल्कुल ये रिमूव हो जाएगी। अच्छा, फिर वो कहता है बेटा कैसे रिमूव करोगे? अब आप इस बात पे उससे ये बात करो कि सर रिमूव करना मेरा काम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस वजह से हुआ है और इसके क्या क्या चांसेस हैं, आपने उसको सेटिस्फाई करना है। उसको आपने सेटिस्फाई कैसे करना है, काफी सारे लोग कहते हैं हाँ भाई इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, बंदा आवाज़ार हो जाता है, वो कहता है कि यार ये बंदा ही फारीगर जो पहले पैसे मांगने लग जाए। पहले कभी भी पैसे नहीं मांगने भाई, जितने आप मांगोगे वो आपको देगा, लेकिन काम होने के बाद। पेमेंट आफ्टर वर्क, ये अपनी बैनर के ऊपर लगा दो, पेमेंट आफ्टर वर्क व्हेन वंस यू विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है ये लिख दो आप, या फिर इस तरह से लिख दो कि आपका वर्क जब सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट दे देना। मेरे साथ आज तक फिलहाल स्कैम नहीं हुआ, क्यों? मैं डेली इसी तरह से करता हूँ, जो भी बंदा आता है उसको रेट करता हूँ, उसको उसके मुताबिक जवाब देता हूँ। अच्छा, अब मैं अपनी क्लाइंट की आपको बता रहा था, मैंने देखा कि हाँ भाई IP वायोलेशन इस वजह से लगी है, और मैं कितनी देर में रिमूव कर सकता हूँ, मैं 2 दिन का टाइम दे देता हूँ उसको, अकाउंट पकड़ लिया, अपील कर दी, उसको अलर्ट दे देता हूँ कि हाँ भाई अगर आपको ईमेल आए तो आप मुझे बता देना, ईमेल आए कोई आपको नोटिफिकेशन मिले मुझे बता देना। मैंने अपील की, पहली बार रिमूव हो गई, IP वायोलेशन, इन अथेंटिसिटी हमारे लिए मसला नहीं, 1 मिनट से पहले ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। और चार्जेस पता कितने लेता हूँ मैं, $500, $600, $800, जहाँ पे अट जाए, लेकिन एक मैयार है अपना, $300 से कम नहीं लेता मैं, 300 से ज़्यादा ही लेता हूँ, देखता हूँ बंदा कैसा है, दे सकता है नहीं दे सकता, उसके बाद फिर पैसे मांगता हूँ। अब ये भी स्किल होते हैं हर बंदे में, लेकिन मेरे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिमूव करना, इनऑथेंटिसिटी रिमूव करना मेरे लिए मसला नहीं, मैं 1 मिनट में या 2 मिनट में इजीली रिमूव कर देता हूँ, मैं देखता हूँ नोयत कैसी है, सिचुएशन कैसी है। ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज को आपने देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। अच्छा, ये पता नहीं 8वीं है या 9वीं वेबसाइट है, सर्विस केप के नाम से आप यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स उनको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद है एक टास्क रैबिट के नाम से, यहाँ पर भी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा ही आपको रिसर्च करनी है तो आप गूगल कर लो। ठीक है, वीडियो का मकसद ये नहीं था कि हाँ भाई मैं आपको अपने बारे में बताऊँ भाई मैं कैसे डील करता हूँ, नथिंग, वीडियो का मकसद ये था आपको बता दिया जाए कि हाँ भाई किस किस तरह से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो और उसका जनरल वे क्या है। मेरे से भी एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, कल मैं अगर किसी दोस्तों के साथ मिलता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पूछता हूँ मैं आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, बताते हैं लोग अपने बारे में, मुझे भी सीखने को मिलता है, उनको मेरे से सीखने को मिलता है, ये देखो आप। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ 10 बताई हैं आपको, गूगल करो आपको हजारों मिलेंगी वेबसाइट्स। ठीक है, खैर उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टी एम अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।